गुरुग्राम में एक बार फिर अस्पताल प्रशासन पर इलाज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। वहीं मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती है, जिससे मरीज की तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और सीएम विंडो पर शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, 2 अगस्त 2018 को उनके चेस्ट में पेन हुआ था, उस पेन की वजह से हम उन्हें इमरजेंसी कंडीशन में मेदांता हॉस्पिटल में लाए थे। वहाँ पे उन्होंने सर्जरी के लिए बोला कि आप 6,65,000 रुपए जमा करा दीजिए, जो कि हमने 6,65,000 रुपए जमा करा दिए। 3 तारीख को सर्जरी हुई है। उसके बाद इन्होंने डेली कोई ना कोई 2-4 दिन बाद कोई ना कोई बीमारी हमें बतानी शुरू कर दी है कि कभी किडनी वर्क नहीं कर रही है, कभी फेफड़ों में पानी भर गया है, कभी ब्रेन में क्लोटिंग हो गई है, और अब सर बेड सोर हो गया है और कंडीशन डे बाय डे उनकी खराब होती जा रही है। जी सर, मैंने सीएम विंडो पे भी शिकायत की है, सीएमओ से बात की है, मैंने पीएमओ से बात की है। उनका कहना है कि सोमवार तक हम देंगे, जबकि हेल्थ मिनिस्टर से ऑर्डर थे कि 3 दिन में आप रिपोर्ट देंगे, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सर, देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।